पंजाबी खाना बनाने में हम जितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत के बाद घर में सब अच्छा अच्छा बोलते भी है, अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, पर अंत में हमेशा एक लाइन आ जाती है, अच्छा तो बना था पर रेस्टोरेंट वाला फील नहीं आया। और वो रेस्टोरेंट वाला फील कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ आनल कोटक। शुरू करें। आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी। पंजाबी खाने का जो बेस है वो है ग्रेवी। अगर ग्रेवी आपकी परफेक्ट बन गई तो बस कोई भी सब्जी आप उसमें से अच्छी बना सकते हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट जैन ग्रेवी। इंस्टेंट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए सारी प्रोसेस एक साथ हो जाएगी। ऑयल लेंगे। अभी हम लोग जो ग्रेवी बना रहे हैं इसको स्टोर करने का है, सो ऑयल आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव के जैसे काम करेगा, सो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। ऑयल के साथ घी, इसके साथ गया खड़ा मसाला, साबुत काली मिर्च, एक टच इलायची और एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंग। हरी मिर्ची उसकी पेस्ट बनाई हुई है, इस सबको बहुत अच्छे से भूनना है। जब भी जैन ग्रेवी बना रहे हो तब अनियन का रिप्लेसमेंट क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो वो है लौकी। जितनी लौकी लेंगे उससे डबल मात्रा में टमाटर लेंगे। अभी हम लोग जो ग्रेवी बना रहे हैं वो रेड ग्रेवी बना रहे हैं, तो जितनी लौकी है उससे डबल प्रोपोर्शन का टमाटर और कच्चा टमाटर ही लेना है। बाइंडिंग के लिए काजू, खसखस और मगज तरी, हम तीनों की पेस्ट डालते हैं बना के। यहाँ पे हम लोग इंस्टेंट ग्रेवी बना रहे हैं, ठीक है, तो थोड़े से काजू लेंगे, मगज तरी, खसखस आप डाल सकते हो और नहीं हो तो नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। इवन मगज तरी नहीं है और सिर्फ काजू है घर में, आप काजू डाल सकते हो। काजू भी घर में नहीं है तो कोई भी नट, बेसिकली ये फ्लेवर के लिए और बाइंडिंग के लिए होता है, तो आप काजू डालो, इवन बादाम भी डाल सकते हो। कभी कभार आप मिक्स नट्स, थोड़े काजू, बादाम और अखरोट वैसे भी कर सकते हो, इवन पीनट्स भी डाल सकते हो। धनिया पाउडर, हम लोग ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए मसाले सारे स्ट्रॉन्ग रखने हैं। जीरा पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी, किचन किंग, लाल मिर्च, देगी मिर्च, देगी मिर्च नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जल नहीं जाए। अच्छे से पकने देंगे। अब बहुत अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है और ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है, ये स्टेज तक उसको पकाना है। लास्ट में टमाटो केचप, रेड ग्रेवी है इसलिए जो टैंगीनेस आती है वो केचप से आती है, और खोया। अब इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, ठंडा हो जाए फिर इसको पीस लेंगे। फाइनली जैन ग्रेवी तैयार है। अभी ये ग्रेवी को आप लोग
एकदम से ठंडा हो जाए, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में इसको कम से कम 3 महीने तक रख सकते हो। मेन थिंग इज़ इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी थिक होनी चाहिए। और आप चाहो तो इसको इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर ग्रेवी घर में हमेशा तैयार होगी तो फिर सब्जी का सिर्फ तड़का ही करना है।